नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल सफर पर आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे। इस दिन उन्होंने मालदा और उत्तर दिनाजपुर में दो कार्यक्रम किए। सबसे पहले गृह मंत्री ने मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार खगेन मुर्मू और दक्षिण लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा के समर्थन में विशाल रोड शो किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर दिनाजपुर में बैठक की और रायगंज लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कार्तिक चंद्रपाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। संदेश खाली कांड में शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन के नाम लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ये लुकआउट सर्कुलर ईडी ने जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी को शक है कि शेख सिराजुद्दीन फरार हो सकता है। खबर है कि देश के सभी एयरपोर्ट में शेख सिराजुद्दीन की तस्वीर और उसके बारे में जानकारी भेज दी गई है। ईडी का दावा है कि 5 जनवरी को संदेश खाली में अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से शेख सिराजुद्दीन गायब है। ईडी का यह भी कहना है कि कई नोटिस भेजने पर भी सिराजुद्दीन के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में एनआईए द्वारा जांच की मांग पर एक मामला दायर किया गया था, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा जमा करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर नियुक्ति, राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने समेत अन्य लंबित विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ ने अगले 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया। भीषण गर्मी के वजह से ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ हो रही है और इस भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने सियालदह और वडोदरा के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेनें मार्ग में दोनों दिशाओं में ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर और जसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। इन ट्रेनों में जनरल सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और एसी क्लास के कोच होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क, कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।